वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ. मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार. तो तुरंत हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088152. डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं अगले कॉलर की समस्या. हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ. अपना परिचय दीजिए प्लीज. डॉक्टर, आपकी समस्या क्या है? रक्त मांस पैखाना की जगह से मांस बाहर आ जाता है 1.5 इंची. अच्छा, कब से चल रही है प्रॉब्लम? सर 21-22 साल हो गया. 21-22 साल? हाँ जी. ये तो बहुत पुराना रोग हो गया आपका है. हाँ जी. तो आपने किसी को दिखाया, डॉक्टर को बात किया इसके बारे में क्या? हाँ, डॉक्टर को पहले दिखाया था, उसी समय जिस समय रोग चालू हुआ था. जी, 3-4 डॉक्टर को दिखाया था एलोपैथी वालों को, उन्होंने एक ही बात कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा. तो ऑपरेशन नहीं कराया आपने? नहीं करवाया जी. वो हमारे डिपार्टमेंट है होम्योपैथी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक हो जाएगा, बैठ जाएगा, टाइम लगेगा, बैठ जाएगा. होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ने एक डॉक्टरों ने कहा कि वो बैठ जाएगा. जी, तो उनकी दवाया लेते हैं, 5-6 महीना लिए, फिर छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है. देखो, ऐसा है कि जो भी डॉक्टर ने, जैसे होम्योपैथिक ने, आयुर्वेदिक ने आपको कहा कि ठीक हो जाएगा और 5-6 महीने आपने दवाई लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब यही है कि वो अब ठीक नहीं हो पाएगा. इसके लिए आपको मैं सलाह यही दूंगा, क्योंकि रोग बहुत पुराना हो गया आपका. 20-22 साल में तो परमानेंटली वो आपकी जो त्वचा भी वहाँ से लूज हो गई है, और जो प्रोलेप्स जो होता है वो बिल्कुल परमानेंट एक फीचर हो गया आपका. तो उसके लिए मैं भी आपको यही राय देना चाहूँगा कि आप किसी सर्जन से जो है कॉन्टैक्ट करके और उसका सर्जरी कराइए, ताकि वो रोग आपका जो है कुछ ठीक हो. क्योंकि आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि हर बीमारी जो है दवाई से ठीक नहीं होती. कुछ ऐसे रोग भी हैं जहाँ पर हमें सर्जरी का जो है सहारा लेना पड़ता है, और आयुर्वेद में पहले ज़माने में भी बहुत अच्छी जो है सर्जरी हुआ करती थी. सर्जरी जो है आजकल तो बहुत एडवांस है, लेकिन प्राचीन समय में भी काफ़ी एडवांस सर्जरी हुआ करती थी, जो अभी आयुर्वेद से जो है एक तरह से लुप्त हो गई है. इतनी ज़्यादा अभी नहीं होती है, लेकिन उसमें आयुर्वेदिक हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं उसमें इसका जिक्र ज़रूर है. और कुछ बीमारियों में ऐसा विशेष है कि जब वो ठीक नहीं हो पाती हैं दवाई से, तो उसमें फिर इस तरह के हमें प्रक्रिया ऐसी चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए, तो वो कराइए आप. ठीक है जी, ओके, धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए. गुड बाय. तो डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा पर लौट कर आते हैं और बता रहे थे कि प्राणायाम और माइंड के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन होता है. जी, देखिए, जो कि अष्टांग योग है हमारा, उसमें जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. जी, तो ये जो प्राणायाम है ये बीच में है, एक मिडल में. ये फिजिकल लेवल पर भी काम करता है, रोगों के लिए भी है. जैसे हमने बताया कि प्राण जो पहुंचता है एक एक सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, वहां जो है ऑक्सीजन पहुंचती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. जी, जी. दूसरा काम ये सूक्ष्म लेवल पर करता है, मन को जो है ये शांत करता है, नियंत्रित करता है, इंद्रियों को नियंत्रण में लाता है. उसके पश्चात जो है हमें जो है इस लायक बनाता है, ताकि हम मेडिटेशन, ध्यान जिसको हम बोलते हैं, कि ध्यान में जा सकें और आगे समाधि में जा सकें. तो प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिकल लेवल पर भी और हमारे सूक्ष्म लेवल पर भी. लेकिन केवल इसको ऐसे समझ के ना किया जाए कि ये एक जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज है. ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज है प्राणायाम जो. जी. उसको जो है डेफिनेटली सही प्रकार से समझ करके उसको करना चाहिए, ताकि उसका हमें पूरा जो है फायदा मिले और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ना हो. जी, जी. क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया ही है, लेकिन किस तरह से सांस लेना है, कहाँ से लेना है, कितने लंबा खींचना है, कैसे जो है आपको बैठना है, मन में क्या चलना चाहिए, जी, जी. शरीर किस तरह से होना चाहिए, ये सब तमाम चीजों को जब हम ध्यान में रख के करते हैं तभी उसका फायदा पूरा मिलता है. जी, जी. इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है. जी, हेलो. हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ. आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य. कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जबलपुर से. डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है. एक्चुअली क्या है, मेरे ये कंधे के पीछे के साइड पे बहुत पेन करता है. अच्छा. हाँ, तो बाइक चलाते हैं ना सर. तो बाइक चलाते वक्त 2-3 लोगों को पीछे बिठा लेते हैं. अच्छा. 2-3 लोगों को पीछे बिठा लेते हैं, तो फिर वो जो नॉर्मल पोजिशन दे रखी होती है बाइक रखने की,
उस पे नहीं बैठ पाते, तो उस कारण से ये जो कंधे के अपर साइड है वो दर्द करने लग जाता है। तो ये क्या रोज करना पड़ता आपको ये ऐसा? लगभग हाँ होता था, 3-4 बार हो जाता है। देखिए ये तो आपके पोस्चर की प्रॉब्लम है, और जो आपकी बैठने की जगह है बाइक पर वो तो वहाँ पर बैठते नहीं, आप बहुत आगे बैठ जाते हैं लगता है। वो पानी वो पेट्रोल की टंकी होती है ना, उसके ऊपर बैठना पड़ता है। हाँ तो फिर तो आपका जो कंधे तो बिल्कुल ऐसे अकड़ ही जाएंगे, और जितनी देर तक आप उसको चलाएंगे तो वो मांसपेशियां आपकी टाइट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें कारण तो आपका ये बाइक चलाना और गलत तरीके से बैठना है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे आपको कि आपको सही जगह बैठ करके बाइक चलाना चाहिए, जो उसका डिजाइन है उसके मुताबिक चलाएंगे तभी तो होगा ना। अगर हम गाड़ी जो चलाते हैं अगर पिछली सीट पर बैठ के गाड़ी चलाने की कोशिश करें तो कैसे चला पाए, फिर तो ऐसे हमें झुक के खड़े होकर गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो सही नहीं चलेगी और एक्सीडेंट भी होने का खतरा रहता है, आपकी जान को भी खतरा रहेगा और जो आपके पीछे बैठे हैं उनको भी खतरा रहेगा। तो इसको जो है जो जिस जो चीज जिस तरीके के लिए बनाई गई है उसी तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आगे से ये ना करें आप। और नहीं, जो वो तो अब मैं नहीं कर रहा है, वो तो मैं और जो जो अभी नहीं, लेकिन जो वो पेन हो रहा है उसका मैं बताता हूँ आपको, उसका इलाज हम कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए आप। तो वो जो पेन आपको हो रहा है वो क्योंकि आपकी मांसपेशियां जो है वो अकड़ी हुई हैं, वो टाइट हो गई हैं, उनको लूज करने के लिए आपको जो है दो चीजें मैं बताता हूँ। एक तो इंटरनल अंदर खाने के लिए सौंठ मेथी और हल्दी, तीन चीजों का पाउडर बना लीजिए, सौंठ मेथी हल्दी, और उसका सेवन करिए, तो इससे अंदर की जो है अगर सूजन भी है या किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगी, दर्द भी ठीक होगा। और साथ में जो है वहां पर तेल की मालिश, तिल के तेल की मालिश करिए रोज। अच्छा। और तेल की मालिश करने के पश्चात थोड़ा गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर लीजिए। ओके। तो उससे जो है मांसपेशियों में जो है एक तरह का जो तनाव है वो कम हो जाएगा, अकड़ाहट कम हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओके जी, ठीक है जी। ये तो अच्छा है कि इनिशियल स्टेज में ही आपने हमसे संपर्क कर लिया है, इसलिए जो डॉक्टर साहब ने जो आपको उपाय बताया है प्लीज उसे अपनाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कोई विशेष टिप्पणी हमारे दर्शकों को दे सके। देखिए टिप्पणी यही है कि हम आज व्यायाम की बात की और व्यायाम में भी मुख्य रूप से हमने योग की बात की है, और योग हमें जो है समाधि तक ले जाता है, और समाधि एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें हमारी आयु जो है वो रुक जाती है एक तरह से। पहले जो है हमारे जो ऋषि मुनि थे वो समाधि लगाया करते थे और हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, क्योंकि समाधि में आपके शरीर की प्रक्रिया सब रुक जाती है, समय भी रुक जाता है। जी जी। तो जितनी देर आप समाधि में हैं उतनी एज आपकी जो है वो रुक गई वहीं पर, जब आप समाधि से बाहर आएंगे फिर आपकी एज दोबारा शुरू होगी। तो इसलिए दीर्घायु में बहुत बड़ा रोल है, समाधि तक तो खैर पहुंचना बहुत मुश्किल है आज के युग में, लेकिन अगर आप जो है अच्छे प्रकार से व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, तो डेफिनेटली उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपकी आयु जो है वो दीर्घ होगी और आप जो है बहुत सुखी भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com, हमारी वेबसाइट है www.jeeva.com, हमारा फोन नंबर है 01294088152। दोस्तों आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई है कि हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता, जैसा कि किसी पोएट ने कहा है, व्हाट इज दिस वर्ल्ड इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इसलिए प्लीज अपने लिए वक्त निकालिए, अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए, फिर देखिए आपकी सेहत में कैसे सुधार आता है, साथ में आपके मन में भी शांति मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो आत्मा भी तृप्त होगी। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा, गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है।